दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर सिंगर उदित नारायण ने आखिर 9 साल की लंबी संघर्ष के बाद क्यों कर लिया था खेती करने का फैसला। तो आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने अपनी संघर्ष भरी जिंदगी में किन किन कठिनाइयों को झेला है और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। दोस्तों, उदित नारायण साल 1978 में नाम कमाने की हसरत लिए जब मुंबई आए थे तब 22 साल के थे। मुंबई में उन्होंने लंबा संघर्ष किया करीब 9 साल तक, और तब तक उम्र के साथ परिवार की जिम्मेदारी भी बढ़ रही थी पर आमदनी नहीं। हालांकि इस बीच उदित नारायण को बॉलीवुड के नामी गिरामी संगीतकारों के साथ काम करने को मौका मिला था और लता मंगेशकर जैसी गायिका के साथ भी गाने गाए, पर करियर का सितारा चमक नहीं रहा था। और अंत में उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वे नेपाल अपने घर जाकर खेतीबाड़ी ही करेंगे। और इस बीच उम्मीद की एक किरण जागी और उन्हें ऑफर मिला था कि आमिर खान की पहली फिल्म क्यामत से क्यामत तक की सारी गाने आप ही गाएंगे। पर जब फिल्म रिलीज हुई तो पहले ही हफ्ते बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी और फिर से उदित नारायण की सारी उम्मीदें टूट गई थी और उन्होंने मुंबई से बोरिया बिस्तर समेटने का फैसला ले लिया था। पर देखते ही देखते दूसरे हफ्ते फिल्म हिट हो गई और तीसरे हफ्ते और चमक गई और गाने भी लोगों के जुबान पर चढ़ने लगी थी। दोस्तों, उदित नारायण करीब 10 साल से इस सफलता के लिए तरस रहे थे और अंत में उन्हें मिल ही गया था। दोस्तों, अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में एक बार उदित नारायण ने अपने बुरे दिनों को याद करते हुए बताया था कि मेरे पास अच्छी आवाज़ तो थी पर अच्छी ज़िंदगी नहीं। हमारे घर में रेडियो भी नहीं थे, पर जब मैंने पड़ोसी की रेडियो पर मोहम्मद रफ़ी का गाना सुना तो मंत्रमुग्ध हो गया था और गाने का फैसला ले लिया था। दोस्तों, वे गांव के छोटे मोटे मेलों में 25 पैसे के लिए भी गाया करते थे और बाद में काठमांडू के रेडियो स्टेशन पर भी काम किया था। इसके बाद जाकर उन्हें सफलता मिली। तो दोस्तों, ये थी उनकी संघर्ष से भरी जिंदगी और अंत में उन्हें कामयाबी मिली।